हमारे बच्चे भूख अपराध की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम फाका कशियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़े, दवाई के पैसे नहीं है, कफन के पैसे नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं ये बात? हमारी जाने कुर्बान है। भेलपुड़ी के पैसे हैं? कोई पैसे नहीं है, भेलपुड़ी के भी नहीं है, समझे? कुछ नहीं है, आप तो खा रहे हैं मुंह में तो, समझे ना? आप जो भेलपुड़ी खाएंगे मुंह तो भरा, आप काबिले एतबार है। हमारी आवाज उठाए, आपकी मेनपुरी मेरे मुंह पे लग रही है, आप हमारी आवाज उठाए कर रहे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने मेनपुरी से भरा हुआ है मेरे भाई, हमने जनाजे उठाए, भाई जनाजे उठाए, एक मिनट लड़ोगे क्या? नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, क्या गलत बात कर रहे हो? तुलसीदास पंपिंग स्टेशन के चारों तरफ काजी कयूम रोड, शामकी रोड, नया पुल, बाजा खान चौक, ये तुलसीदास रोड, इन सारे रोडों पर पानी का राज है। पूरा शहर क्यों पानी में डुबो दिया उन्होंने? ये सहूलत देने वाले लोग हैं या तकलीफ देने वाले लोग हैं? इनके नुमाइंदे कौन है, इनसे बात करते हैं। आप ऐसा करें साहब, भाई खुदा को माने, हुकूमत मैं अपील कर रहा हूँ कि हमें जहर दे दें, हमें मार दे, कोई मसला नहीं। तुलसीदास पंपिंग स्टेशन के चारों तरफ काजी कयूम रोड, शामकी रोड, नया पुल, बाजा खान चौक, ये तुलसीदास रोड, इन सारे रोडों पर पानी का राज है। और पानी का राज क्यों है? इसलिए कि सीबी यूनियन यहाँ पर, उनके जो नुमाइंदे हैं वो एहतजाज करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अंदर चलते हैं, कैमरामैन के साथ हम ऐसे ही चलेंगे, लाइव ही चलेंगे, और अंदर जा कर इनसे पूछते हैं कि ये जो सिलसिला है इसमें क्या मसला है, क्यों इन्होंने पूरे शहर को जो इस तरह से अजियत में डाला हुआ है, पूरा शहर क्यों पानी में डुबो दिया इन्होंने? ये सहूलत देने वाले लोग हैं या तकलीफ़ देने वाले लोग हैं? इनके नुमाइंदे कौन हैं, इनसे बात करते हैं। वहाँ पे देखते हैं, आए हमारे साथ लाशारी साहब बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनका इंसाफ है, आज इनकी अदालत है, ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शहर को पूरे को आपने, पूरे इलाके को, पूरा शहर डूबा हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंसाफ अली लाशारी, जनरल सेक्रेटरी, एचडीएम मजदूर यूनियन सीबी, आशिकार रसूल हैं हम। 9 महीने से तनख्वाह नहीं मजदूरों को मिली है, पेंशन नहीं मिली है, हमारे मजदूर मर रहे हैं, कफन के लिए पैसे नहीं हैं, सेक्रेटरी फनास ने हमारी समरी रोकी हुई है, रुश्वत तलब कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। 5 मिनट का काम नहीं साइन करेगा हमारी तनख्वाह मिल जाए। शेर को देख रहे हैं, शेर की क्या हालत है? बिल्कुल, देख आप हमारे काम में आशिक रसूल, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस शेर में आपने एहतजाज कल क्यों नहीं किया, परसों क्यों नहीं किया, आपने इन 40 दिनों में एहतजाज क्यों? ये आपकी बहुत अच्छी बात, 22 दिन पहले हमने फिल्टर प्लांट पे धरना दिया था, बंद कर दिया था, हमसे टाइम लिया गया, कल हमने डी जी एफ में धरना दिया, कल हमने क्या है आपको? हमें तनख्वाह की मसला है। कितनी तनख्वाह? 9 माह की तनख्वाह है, 2 माह की पेंशन है। लोग हैं या फिर ये तकरीबन बहुत सारे 2200 मुलाजमीन वर्क चार्ज, जिनकी तनख्वाह ही 10,000 रुपए है। अच्छा। या रिटायर मुलाजमीन है, वर्क चार्ज के मुलाजमे, जिंदगियां बर्बाद हो गई, 20-20 साल इनको हो गए, 10,000 में। डिमांड आपकी क्या है? तनख्वाह चाहिए हमें, तनख्वाह चाहिए, भले ईद हो, मिलाद हो, कोई भी टाइम आए, हम कैसे मनाएं? मुझे बताएं हम कैसे मनाएं? मुझे ये बताएं, शहर का हाल है जी, बिल्कुल सच सुनेंगे या नहीं? आप खिदमत वाले इदारे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को खिदमत देने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी? जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी जी, कि आप ऐसे मौके पे आपने पूरे शहर को अजाब में डाला हुआ है, तकलीफ में डाला हुआ है, आपकी परेशानी अपनी जगह पे है, उसके लिए हम हर मौके पर बात करते, बिल्कुल, लेकिन आप ये बताएं कि ये इस तरीके से आप टोकन एहतजाज करते थे, ठीक है, आपने तो मिलकर सब कुछ जाम कर दिया। हमने कभी टोकन नहीं किया, इसलिए मजदूर यूनियन ने कभी टोकन नहीं किया, हमें जब भी किया है तो मुकम्मल ही किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ये आशिक रसूल, हम कहते हैं कि हम भी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुछ तो बांट सकें, कुछ तो कर सकें, हम मुसलमान नहीं हैं, आप मुझे बताएं हम क्या करें? आप ऐसा करें साहब, भाई खुदा को माने, हुकूमत मैं अपील कर रहा हूँ कि हमें जहर दे दें, हमें मार दे, कोई मसला नहीं है, आप हमारे भाई हैं। अपनी जगह पे इंसाफ, लाशारी साहब नाम आपका माशाल्लाह इंसाफ है, तो इंसाफ करें, बिल्कुल करेंगे, आपकी वजह से पूरा शहर परेशान। मोहतरम, अगर डिप्टी कमिश्नर,
एक मिनट सुने सुने हमारे बच्चे भूख अपराध की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम फाका कशिया कर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़े, दवाई के पैसे नहीं है, कफन के पैसे नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं ये बात? हमारी जाने कुर्बान, मेनपुड़ी के पैसे हैं, कोई पैसे नहीं है, मेनपुड़ी के भी नहीं है, समझिए कुछ नहीं है, आप तो खा रहे हैं मुंह में तो, समझिए ना, आप जो मेनपुड़ी खाए मुंह तो भरा है, आप काबिले एतबार हैं, काबिले ताजी में आप साफी हजरा दें, बजाए आप हमारी आवाज उठाएं, आपकी मेनपुड़ी मेरे मुंह पे लग रही है, आप हमारी आवाज उठाए, वैसे बात कर रहे हैं कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने मेनपुड़ी से भरा हुआ है मेरे भाई, हमने जनाजे उठाए, भाई हो क्या बोल रहे, जनाजे उठाए, एक मिनट लड़ोगे क्या? नहीं, आप गलत बात क्यों कर रहे हो, क्या गलत बात कर रहे हैं, हम जनाजे उठाए, बशारी से बात करो, जवाब दे रहे हैं ना, एक मिनट बात सुनो, आप लोग सारे लीडर हो क्या? नहीं बात सुनो, मेरी बात लीडर है क्या ना, एक मिनट बात कर ले, अरे जनरल सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अगर आप ये बात कर रहे हैं कि शेर में शेरी परेशान है, शेरियों को परेशानी है, अगर ये बात करें तो वो जो है फौरी तौर पे वो गले आ रहे हैं, अगर एक अगर हम इतनी बात करने के लिए आप नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे कि हम कहते हैं कि पब्लिक परेशान है, आपका एक्शन आपका मुतालबा जायज है, मैंने पे ये कह रहा हूँ कि आपने टोकन एहतजाज किए, पहले कुछ देर के लिए आपने एहतजाज किया कर लिया, फिर आपकी बातों को आपका मुतालबा आपका चूल्हा भी जलना चाहिए, आपको सैलरी भी मिलनी चाहिए, लेकिन लोगों शेरियों का क्या होगा? भाई दिन से हमें लाली पाप दिया, आप करें आज आज हमने किया है, पिछले 22 दिन से आप देखें रिकॉर्ड उठा के डेली दरखास्त लिख रहे हैं वजीर आला को, मिनिस्टर को, तमाम को, मेयर को, कमिश्नर को, रिकॉर्ड पापी कहें मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने बात कही भाई की मेनपुरी की, देखें इंसान, मैं सिगरेट पीता हूँ, बात यह है कि अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है तो शाम को मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं, मेरे भाई करते हैं, जिंदा रहने के लिए आप साफी भाई थोड़ा ख्याल करें, जिंदा रहने के लिए जिंदा तो नहीं देख, बताना पड़ेगा ना, मैंने आपके क्या कदर, मैं क्या कह रहा हूँ, आप साहब आप मेरे साहब ही भाई है, मैंने क्या बिल्कुल बिल्कुल 100% आप सही, आप कहें तो मैं नहीं देखा, नहीं नहीं आप काबिले इतना, मैंने क्या कहा, लाइव नहीं चल रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव नहीं चल रहा, नहीं नहीं रिकॉर्ड आप लाइव चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल, नहीं नहीं आप सही चल, नहीं सब कुछ दिखाएं, हर चीज 100% मैं आपको कह रहा हूँ आप सही चलाएं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अर्ज ये देखिए आप अगर डीसी चाहे, आज कौन सा रबी रावल का कौन सा तारीख है, आज 9 तारीख है, 3 दिन बाद रबी रावल, कल काम हमारा हो सकता है, आज दिन आज आज काम हो सकता है, एक साइन में हमारा काम, सुनो सुनो यार मेरी बात कर लो मोहतरम, बोले सुने एक साइन हमारी जिंदगी हमारे बच्चे सारे कुछ हो जाएंगे, कफनों खत्म हो जाए, खुदा गवाह है, जो, जो, जो टाइम है इस टाइम के हिसाब से हाँ, हाँ, इसको 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, मैं एक मैं एक 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, साइन करने में 5 मिनट नहीं लगेंगे, साइन हो जाएगी, हमारा चेक मिल जाएगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ये नहीं हुआ इन 3 दिनों में, तो अगर सरकार सरकार की अहलियत सुने सुने सरकार की सुने सरकार की आप देखें केयर टेकर, एक मिनट सरकार की जो केयर टेकर हुकूमत है ना, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम सियासी समाजी और मजहबी पार्टियों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि खुदा को माने हमारे इस काम में मदद करें, इंसाफ इंसाफ साहब जो जनरल सेक्रेटरी है CBA यूनियन के SDA की, उनसे हमारी बातचीत हुई, यहाँ पर हमारे जो लोग हैं जितने लोग हैं इसमें परमानेंट मुलाजिम भी हैं और आर्जी मुलाजमीन भी हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, उनको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, तकरीबन आजकल के इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये सैलरी है ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हुए मुलाजमीन हैं, ज़रूरत इस बात की है कि इन मुलाजमीन की तकलीफ़ को भी समझा जाए, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि इन मुलाजमीन की और इस हड़ताल की वजह से शेरी बहुत ज़्यादा अजियत में परेशानी में, इसका भी एहसास करना चाहिए। कैमरामैन अली राजपूत के साथ फयाज़ अवान, एशियन न्यूज़ हैदराबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।